दोस्तों यारो, मेरा नाम है सनी और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो कोई वीडियो या फिर ब्लॉग नहीं है। आज मैं बात करूँगा मोमेंट्स की। कैसे मोमेंट्स, देख लो। आज मैं किसी वीडियो या फिर कोई एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ज़िंदगी के लम्हों के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे पल होते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी इस तरह हुआ है कि तुम रात को बिस्तर पर लेट कर आँखों को बंद करके अपनी ज़िंदगी के फ्लैशबैक मोमेंट्स को याद कर रहे हो, उन पलों को याद कर रहे हो जिनमें तुम रोए थे, उन पलों को जिनमें तुम हंसते रहते हैं। काफ़ी सारे लम्हे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी हमें देती है, हम ज़िंदगी को देते हैं, उतना नहीं पर देते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं या फिर एक ऐसा पल जहाँ पर किसी चीज़ की फिक्र नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, बस रहता है तो ज़िंदगी को जीने का उमंग। या फिर ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ या फिर एक ऐसा पल जहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। या फिर ज़िंदगी का एक ऐसा पल जहाँ पर खुशी महसूस होता है। काफ़ी सारे पल ऐसे हैं जहाँ पर खुशी महसूस होता है। या फिर ज़िंदगी का एक अचानक किया होने वाला एक इंसिडेंट। या फिर ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम जहाँ पर सब अपने तुम्हारे पास होते हैं सिवाय तुमको छोड़कर। या फिर ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर सब अपने तुम्हारे पास होते हैं और तुम भी। तो खैर, ये सब रही बात की बात है। एक और बात बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा मस्त है। असल में हुआ ये कि एक और मोमेंट था जिससे अगर मैं कैप्चर कर लेता वो थोड़ा सा अलग हिट करता, बट क्या हुआ ना, कुछ कारण की वजह से मैं उसे कैप्चर कर नहीं पाया। अब कारण ये था कि जब मैं उस सीन को कैप्चर करने के लिए जा रहा था तभी हमारे आगे साक्षात महाकाल आ गए थे। तो मेरी बात शायद मजाक लग रही होगी पर मेरे पास इसका एक फुटेज है, देखना है। देखो, तो ये था मोमेंट्स जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ठोक ही दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ इस ब्लॉग को डालने में बट आ ही गया। तो मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहो SM सागा।